बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज असी तुहाडे वास्ते बहुत मज़ेदार रैसपी लैके आए हैं। अज असी खोए वाली बर्फी बनावांगे, तो उहदे वास्ते जिहड़ियां चीज़ां चाहीदियां उह मैं तुहानूं दस दिंदी। 4 किलो असी फुल क्रीम दुध लै लिया, 250 ग्राम असी चीनी लै ली, कुछ असी बादाम लै लिया गार्निश वास्ते, तो 1 टीस्पून असी लै लिया इलायची पाउडर का। हुण असी तुहानूं दसदे हां कि किस तरह बनाउणा। दुध असी बड़े तेज़ केच पा के चुल्हे ते रख लिया, अग जला ली। हुण इहदा उबाल आउण दा असी इंतज़ार करते हैं, तो फिर असी इहदा खोया बनावांगे। दुध पकण लग गया, अग थोड़ी जी असी आहिस्ता कर दिती है, तो हुण असी लगातार इहदे च चम्मच हिलाउणा ताकि नीचे ना लग जाए, फिर साडा खोया बनना। खोया बनाउणा काफ़ी सबर अजमा काम है, तो इहनूं बड़ी आराम नाल असी आहिस्ता आहिस्ता करना है। काफ़ी गाढ़ा हो गया, असी हुण इहदे विच इलायची पाउडर जिहड़ा ना वह पा देना, इहनूं अच्छी तरह मिक्स कर देना। हुण असी चीनी भी इहदे विच पा देनी है, तो लगातार चम्मच चलाई जाना ताकि नीचे ना लग जाए। आ जिन्ना कसी गाढ़ा सानू चाहिदा सी उन्ना गाढ़ा ये हुण हो गया, तो बर्फी साड़ी बहुत मज़ेदार है तैयार हो गई है। हुण असी इहनू कढ लैने आ, ट्रे दे उत्ते असी बटर पेपर रख लिया, तो हुण असी इहदे उत्ते जिहड़ी असी बर्फी बनाई है वह असी पाउने आ। हुण असी इहनूं गार्निश कर लेना। इस तरह दबा के असी इन्हां नूं सही कर देना ताकि बादाम थोड़े अंदर हो जाए बर्फी दे। साडी बहुत ही मज़ेदार खोए इलायची वाली बर्फी तैयार हो गई। असी हुण इहनूं ठंडे होण लई रख देना, तो तकरीबन 1 घंटे बाद फिर असी इहनूं कट्टांगे जदों इह अच्छी तरह ठंडी हो जाएगी। इह देखो साडी किड्डी मज़ेदार बर्फी बन गई, तो हुण असी इहनूं कट लेना। यह बर्फी असी कट के रख दिती, बहुत मज़ेदार बनी है। ये तो रैसपी तुसी भी ट्राई करके देखियो, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बर्फी बनेगी तुहाडी। अल्लाह हाफिज़।